नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा लेकर आई हूँ 25 जनवरी 2022 का। बात करते हैं मेष राशि की। आइए जाने एरिस के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मेष राशि वालों, कल के दिन आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे, हेल्थ में और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। उसके बाद बात करती हूँ आपकी वेल्थ की। डेफिनेटली कल के दिन रुके हुए काम बनने वाले हैं, पैसा कल के दिन जेब में आपके ज़रूर आने वाला है। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में कहीं ना कहीं मनमुटाव रह सकता है। जो भी बात करें, सोच समझ के बात करें, बहुत अधिक गुस्सा दूरियों को बढ़ा सकता है। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि। आइए जाने वृष राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वृष राशि वालों, कल के दिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा, मन उदास भी रह सकता है, हेल्थ में लिटिल बिट आप परेशानी फील कर सकते हैं। बात करती हूँ पैसों की। कल के दिन काम थोड़ा सा रुक कर चलेगा, यानी कि धीरे चलेगा, स्लो चलेगा, जो प्लानिंग्स हैं आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं होने वाली। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में फॉर्च्यून ज़रूर आएगा, जो भी मनमुटाव पिछले होंगे वो दूर हो सकते हैं, डेफिनेटली नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की बातचीत अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। आइए जाने मिथुन राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार के दवा दारू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करती हूँ आपके काम की। काम में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। जो भी पैसा अगर आप किसी को देते हैं तो वो स्टक हो सकता है, सोचा समझा काम कल के दिन बनने वाला नहीं है। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में भी लिटिल बिट अननोन फियर्स रहेंगे, दूरियाँ रहेंगी, मन मुटाव रह सकता है। बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर। आइए जाने कर्क राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, कल के दिन हेल्थ बहुत अच्छी फील करोगे, अपने आप की तबीयत ठीक रहेगी, समय पे दवाई खाना, सब कुछ करना, हेल्थ में इजाफा होगा आपके। बात करती हूँ आपके काम की। काम आपका दूर दूर से भी, जहाँ से आप काम करना चाहो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपके काम की काम के मामले में पैसे अच्छे आने का दिन है कल का, तो कल के दिन आपको पॉजिटिव रहेगा। बात करूं रिश्तों की। रिश्तों में हजल बजल रहेगा, मन मुटाव रह सकता है, या किसी से सुनकर कुछ भी आपको गुस्सा ज़्यादा आने का दिन बन सकता है। बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि। आइए जाने सिंह राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा, वेरी गुड डे, यानी कि बहुत दिनों के बाद कल आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की। तो वर्ल्ड कार्ड यानी कि बहुत सारी जगह से जेब में पैसा आने वाला है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। तो डेफिनेटली रिश्ते भी आपके कल के दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आइए जाने कन्या राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कन्या राशि वालों, कल के दिन हेल्थ में लिटिल बिट दिक्कत आ सकती है, सिर दर्द या पैरों में दर्द कल के दिन आपको हो सकता है। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की। बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी पैसे जेब में थोड़े कम आएंगे। बात करती हूँ आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में भी मूड स्विंग्स रह सकते हैं, किसी से अनबन हो सकती है, कुछ कठोर वचन सुनने को मिल सकते हैं, या आपके द्वारा किसी दूसरे को परोसे जा सकते हैं। बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। आइए जाने तुला राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तुला राशि वालों, कल के दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि कोई घर के बुज़ुर्ग अगर आपको कुछ समझाते हैं, कुछ दिशा निर्देश देते हैं, अगर आप उनकी बात मानते हैं, डेफिनेटली कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बात करती हूँ पैसों की।
किसी भी तरीके से आपकी पॉकेट में कल पैसे बहुत सारे आने वाले हैं। उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों की। रिश्ते भी डेफिनेटली नए रिश्ते बनेंगे, नई चीज़ें होंगी और ये चीज़ें रिश्ते आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए जाने वृश्चिक राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली कल के दिन तबीयत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। बात करती हूँ आपके पैसों की, तो कल के दिन पैसों की समस्या हो सकती है और थोड़ी सी बढ़कर समस्या हो सकती है। रिश्तों में भी कल के दिन दूरियाँ बढ़ सकती हैं, कहीं ना कहीं नाराज़गी हो सकती है। बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। आइए जाने धनु राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। धनु राशि वालों कल के दिन हेल्थ में लिटिल बिट प्रॉब्लम रहेगी, परेशान हो सकते हैं, कोई ना कोई सिर दर्द की वजह बन सकता है कल का दिन। पैसों की बात करें तो वेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, पॉकेट में पैसे ज़रूर आएंगे, सोचे समझे काम कल के दिन ज़रूर बन जाएंगे। बात करती हूँ रिश्तों की, रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। आइए जाने मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों कल के दिन हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है। बात करती हूँ आपके पैसों की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है यानी कि पैसे तो कल के दिन ज़रूर बरसने वाले हैं आपके पास। उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों की, रिश्तों में अननोन फियर्स रह सकते हैं, एंजाइटी रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है किसी भी अपने प्रियजन के बारे में। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। आइए जाने कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों कल के दिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लापरवाही आपकी हुई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बात करती हूँ आपके पैसों की, कल के दिन आपका फाइनेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, खुशहाल रहेगा। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्ते भी कल के दिन आपके बहुत अच्छे रहने वाले। बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। आइए जाने मीन राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मीन राशि वालों कल के दिन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा। बात करती हूँ पैसों की, तो कल के दिन फाइनेंस में भी लिटिल बिट आप थोड़ा सा कंजूसी कर सकते हैं, कंजूसी के बारे में सोच सकते हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं उदासी बेकरारी रह सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।